सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे व्यूवर्स का और उन सभी लोगों का जो हमारे चैनल से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के साथ ही हमारे चैनल का व्यू 10,000 क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर आप सभी मिठाई के हकदार हैं, लेकिन मैं आज सब आप सभी को एक मेढक खिलाना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। ब्रेन ट्रेसिंग ने अपने प्रसिद्ध किताब ईट दैट फ्रॉग में लिखा है कि अगर किसी को अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें खानी है, जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कंपल्सन है कि उसको एक मेढक भी खाना ही खाना है, तो यह मेढक उसे कब खाना चाहिए? बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कब। तो ब्रेन ट्रेसिंग ने अपने रिसर्च से सिद्ध किया है कि यह मेढक उसे सुबह ही सुबह खा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह ही सुबह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और हमारे में एनर्जी लेवल भी हाई होती है। ऐसे में मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आपको मेढक सबसे पहले खा लेना चाहिए। तो आप यह सोचेंगे कि आज मैं किस मेढक की बात कर रहा हूं। तो अधिकतर हम सब लोगों के लिए मेढक क्या है? कुछ भी नया चीज सीखना, एडॉप्ट करना उसे जीवन में, और खासकर छात्रों के लिए या कोई भी चीज नया हम सीखते हैं उनके लिए नए चीजों को याद करना, अपने माइंड में बैठाना और उसे सही समय पर उपयोग में लाना। मैंने अपने जीवन में इस मेढक को इतने तरीके से खाया है कि वो मेरे लिए बड़ा एंटरटेनिंग भी रहा है। तो आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि ये मेढक आप कैसे खा सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से खा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैंने 2008-10 सेशन में मास्टर्स डिग्री की थी विप्र कॉलेज पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। इस समय मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं नौकरी भी कर रहा था, इसलिए मेरे पास काफ़ी कम समय होता था पढ़ने के लिए। अंतिम के एक महीने में गया और मैंने वहाँ पढ़ाई की, लेकिन मैंने जो मैथड्स अप्लाई किए पढ़ाई के, उसी कारण से मैं अपने बैच में टॉपर रहा, जबकि कई बच्चे वहाँ साल भर से स्टडी कर रहे थे। तो भी तो वो क्या टेक्निक है जिससे कम दिनों में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि अब एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, तो मैं अगला 2-3 वीडियो सीक्वेंस बनाऊंगा। आज जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो भी आपको 2 वीक में करके समझाऊंगा, ताकि आप उसे अच्छे से ग्रास्प कर सकें और लाइफ में उपयोग कर सकें। तो आज का हमारा मेथड जो है वो है डिस्पोजल। ये मैं कई बार बच्चों को समझा भी चुका हूँ, लेकिन इसको मैं अलग तरीके से आज मैं फिर से बता रहा हूँ। इसको बताने में मुझे बहुत सारी किताबों ने मदद की है। कुछ किताबों का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मदद विश्वरूप राय चौधरी की किताब मेमोरी माइंड एंड बॉडी ने किया। उसके बाद अभिषेक ठाकुर जी किताब द पोर्ट्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट ने भी मुझे काफ़ी मदद किया। बैडिक कैरी की किताब हाउ वी लर्न ने भी मदद किया, और द वन थिंग जिसका मैंने पिछले वीडियो जिक्र किया था उस किताब ने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया है। तो इन सब जो और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनका रेफरेंस मैं बीच में दूंगा। ये डिस्पोजल जो है DISPOSAL, सबसे पहला मैं स्टार्ट लेता हूं इसको, क्योंकि आज मैं पूरे उत्साह में हूं। आप भी पूरे मन से सुने और आप सबको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे जीवन में। तो डिवाइड एंड कॉन्कर, अर्थात हम चीजों को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें जीत हासिल करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी कि एक पिताजी अपने 4 बेटों में एकता लाने के लिए एक अलग अलग लकड़ी मंगाते हैं। अलग अलग लकड़ी आराम से टूट जाती है, मिली हुई लकड़ी हार्ड हो जाती है। जीवन के साथ ऐसा ही कुछ है। हम जब चीजों को अलग करते हैं तो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले 2 भाग में इसको लेकर चलना है। पहला, आपका एग्जाम का टाइम क्या है, या किसी भी काम को आपको कब तक फिनिश करना है, उसका डेडलाइन क्या है, उससे कुछ पहले का ही समय निर्धारित कर लीजिए, ताकि आपके पास उसमें मास्टरी करने का भी समय रहे। तो सबसे पहले उसको एक बैरियर बनाए, टाइम बाउंड बनाए, और उसको डिवाइड कर लीजिए। आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो सिलेबस को प्रॉपरली डिवाइड कर लीजिए। जैसे एग्जाम का दिन अगर 1 फरवरी है तो आप उसको 15 जनवरी तक ही कर लीजिए कि यहां तक में सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसको और अप्लाई कैसे करना है, तो लंबा क्वेश्चन का आंसर याद करना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो लंबा है उसे याद करना है, उसको पॉइंट में डालना है। तो इसको भी अलग अलग पॉइंट को डिवाइड कर लीजिए कि कितना 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 करके दिमाग में हटाना है, और फिर उसको
डिवाइड करके उस पर धीरे 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 मास्टरी हासिल कीजिए, कॉन्कर कीजिए। तो डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग जो एक बात मैं पढ़ रहा था, एक दार्शनिक ने किसी से पूछा कि आप एक हाथी को कैसे खाएंगे। तो वो आदमी बड़ा सोचने लगा कि हाथी तो हम लोग खाते नहीं हैं। बोले अगर खाना पड़े तो कैसे खाएंगे, तो जवाब नहीं दे पाया। बोले आप एक मुर्गियों को कैसे खाएंगे, बोले काट के पका के खा लेंगे। बोले कैसे, बोले एक एक बाइट करके खा लेंगे। बोले उसी तरह हाथी भी खाया जाता है, हाथी को भी काट लेना है, पका लेना, एक एक बाइट करके खा लेना है। तो हम हाथी भी खा सकते हैं एक एक बाइट करके। तो जब हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, छोटा कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उस समय हमको डिवाइड करके कॉन्कर कर सकते हैं। दूसरा, इंस्टीड ऑफ प्रॉब्लम्स फोकस ऑन बेनिफिट्स। हमारा माइंड कैसे काम करता है, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि प्रॉब्लम है या बेनिफिट है। जब बेनिफिट होता है तो एनर्जाइज हो जाता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था और मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे दिमाग से उपजाऊ चीज़ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी लगाई उपजता बहुत है, चाहे वो नफरत हो या प्रेम। उसी तरह जब हम समस्या पर सोचते हैं तो मस्तिष्क समस्या के बारे में चिंतन करने लगता है और समस्या कारणों को, समस्या को ही ज़्यादा फोकस करता है। फिर क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि के शिकार होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोकस करते हैं बेनिफिट्स पे, तो हमारा माइंड एनर्जाइज हो जाता है, हमारा माइंड सोचने लगता है तरीकों पर कि किन तरीकों काम करेंगे और कैसे हम बेनिफिट प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि चीज़ें आपके मन में स्पष्ट हो जाएं। हम सभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं और भी कई किताबें सभी पढ़ते भी रहते हैं। उनके बारे में सभी जानते हैं कि उनको किताब खरीदने का भी पूरा पैसा नहीं मिलता था, तो उन्होंने पार्ट टाइम में पेपर ही बेचा। तो ये उनका प्रॉब्लम्स था। तो जीवन में हमारे भी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने फोकस कहाँ किया, बेनिफिट पे, कि अगर मैं पेपर बेचूंगा और किताब खरीद लूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो माइंड उनका बेनिफिट काम करता था, यही कारण है कि वो हम सबसे इतने अलग हुए। तो हम सबको भी उनके ऐसा बनना है या अलग होना है, अपने आप में प्रोग्रेस करना है, तो इंस्टीड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू फोकस ऑन बेनिफिट। तो आप सभी बेनिफिट सोचिए, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, अभी पढ़ाई आपके लिए एक समस्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम बैठने में कितना अच्छा लगेगा। जब क्वेश्चन हाथ में आए, क्वेश्चन पेपर सब आपको आते रहेगा, तो कितना अच्छा लगने वाला है आपको। जब ये आप इमेजिन करेगा तो माइंड एनर्जाइज होगा और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। थर्ड है, सर्वे द प्रायोरिटी। जीवन में कोई भी हर कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आप मास्टरी कर सकते हैं और एक चीज़ में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों में आज, क्योंकि दुनिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गई है, बहुत जगह जगह बढ़ चुकी है, तो हमें प्रायोरिटी चुनना होगा। सेंट फ्रांसिस का एक वचन मुझे याद आ रहा है, सेंट फ्रांसिस ने कहा था कि वहाँ से शुरू करें जो ज़रूरी है, फिर वो करें जो मुमकिन है, और अचानक आप पाएंगे कि जो पहले नामुमकिन लगता था वो काम भी आप करने लग गए हैं। अब इसे थोड़ा फिर से सुन लें, वहाँ से शुरू करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो करें जो मुमकिन है, और अचानक आप पाएंगे कि आप वो काम भी करने लगे हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। यानी प्रायोरिटी पे चलना है। जब हम प्रायोरिटी पे चलते रहेंगे तो फिर आप उन कामों को भी कर लेंगे जो आपको अभी नामुमकिन लग रहा है। तो सर्वे द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज खोजिए। जैसे अभी आप पढ़ने बैठे हैं, आप प्रायोरिटी खोजिए कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद किन चीज़ों को रिकॉल करना है, तो आपको उसके लिए मेथड है। सभी को नहीं, प्रायोरिटीज चुनिए कि ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी, इनको अभी रिकॉल करना है। एग्जाम नज़दीक है तो आप कंपटीशन के बारे नहीं पढ़ सकते हैं, आपको प्रायोरिटीज पे चलना होगा। और जो लोग प्रायोरिटीज को जितना अच्छा लेके चलते हैं वो उतना ज़्यादा सफल होते हैं। तो सर्वे द प्रायोरिटीज। एंड फोर्थ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये भी बड़ा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो मुझसे ऐसे बात करते हैं, सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं, सर हमारा दिमाग ही कमज़ोर है, हम लोग विवेकानंद थोड़ी ना है। ये है सेल्फ हिप्नोटिज्म, यानी आत्मसम्मोहन। अधिकतर लोग अपने आप को आत्मसम्मोहित करके जीते हैं, तो इस चीज़ से बचें। और अगर आत्मसम्मोहित करना ही है तो हमारे ऋषि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही अनुभवी थे, जिन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी अपने आप महसूस तो कीजिए कि हम ही ब्रह्म हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई आपको अगर बाहर से हीन भावना मिलाने की कोशिश भी करे तो उसे इग्नोर कर दीजिए। आप अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पर फोकस कीजिए और सोचिए जब ये स्ट्रांग पॉइंट हमारे अंदर है तो जो वीक पॉइंट है उसे भी मैं ठीक कर लूँगा।
तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक सुबह सुबह रोज अपने आप से कहिए कि मैं कर सकता हूं। और फिर से मैं इसे समराइज कर दे रहा हूं, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तब तक एक सप्ताह के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर, चीज़ों को बांट लें, सिलेबस को बांट लें और पढ़ाई उत्साह के साथ शुरू करें। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉब्लम फोकस ऑफ बेनिफिट, हो सकता है परिवार में कुछ दिक्कतें हो सकता है आपका किताब नहीं हो, हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हो, उन सब प्रॉब्लम्स छोड़ें और फोकस करें बेनिफिट पर। सर्वे द प्रायोरिटीज, आज ही बैठें और अपनी प्रायोरिटीज तलाश करें। अगर आपको सफल होना है तो मेरा आपसे सजेशन है कि इस वीडियो को बंद करते ही आप सबसे पहले बैठें और अपने प्रायोरिटीज को तलाश करें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और उस पर स्टार्टअप ले लें। और लास्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हमेशा बोले कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।